कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम चैत्र मास की 2022 में पड़ने वाली नवरात्रि के मुहूर्त तथा तिथि वार के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। वैसे साल भर में तो चार नवरात्रि आती हैं, दो गुप्त और दो उजागर नवरात्रि आती, जिनमें से माघ मास और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं तथा चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि और आश्विन के माह में शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार होता है। यह त्यौहार माता दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित होता है। नौ दिनों तक चलता है। इस दौरान माता के अलग अलग रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं तथा माता की चौकी स्थापित करते हैं। आपको बता दें कि इस बार 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल यानी शनिवार से शुरू हो रहे हैं, जो 10 अप्रैल 2022 के दिन रामनवमी के साथ समाप्त होने वाले हैं। इस दिन माता के नौ रूपों की शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी की पूजा की जाएगी। बात करें अगर पहले नवरात्रि की, तो 2 अप्रैल यानी शनिवार को शैलपुत्री का होगा, दूसरा ब्रह्मचारिणी 3 अप्रैल यानी रविवार को पड़ेगा, नवरात्र मां चंद्रघंटा 4 अप्रैल सोमवार को पड़ेगा, चौथा नवरात्र कूष्मांडा 5 अप्रैल मंगलवार को पड़ेगा और पांचवा नवरात्र स्कंद माता 6 अप्रैल बुधवार को पड़ेगा, छठा नवरात्र कात्यायनी 7 अप्रैल गुरुवार को पड़ेगा, सातवां नवरात्र काल रात्रि जो विशेष मानी जाती है शुक्रवार को पड़ेगी और नवा आठवां नवरात्र महागौरी जो है 9 अप्रैल को पड़ेगी, नवरात्र सिद्धिदात्री पूजा 10 अप्रैल को पड़ेगी तथा नवरात्रि का 10वां यानी पारण का जो है वो 11 अप्रैल 2022 को होगा। बात करें कलश स्थापना की, तो यह 2 अप्रैल दिन शनिवार को ही स्थापित किया जाएगा। घट स्थापन यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा शनिवार को प्रातः काल 6:11 से लेकर के 8:29 तक। कलश स्थापना यानी घट स्थापना का दूसरा अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं, इसका समय रहेगा 12:01 से 12:50 तक। ये भी शनिवार को 2 तारीख को ही रहने वाला है। तो ये माता के विशेष 9 दिनों का वर्णन मुहूर्त हमने आपके सामने रखा। आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।